नमस्कार, सूर्यविद नीति में आपका स्वागत है। तो आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी दो सखियां का शेष भाग, मेरे साथ यानी आपकी अपनी नीति के साथ। दिल्ली प्यारी बहन, तुम्हारे प्रथम मिलन की कुतूहल में कथा पढ़कर चित्त प्रसन्न हो गया। मुझे तुम्हारे ऊपर हसद हो रहा है। मैंने समझा था तुम्हें मुझ पर हसद होगा, पर क्रिया उल्टी हो गई। तुम्हें चारों ओर हरियाली ही नजर आती है। मैं जिधर नजर डालती हूँ सूखे रेत और नग्न टीलों के सिवा और कुछ नहीं। खैर, अब कुछ मेरा वृतांत सुनो। अब जिगर थाम कर बैठो, मेरी बारी आई है। विनोद की अविचलित दार्शनिकता अब असहनीय हो गई है। कुछ विचित्र जीव हैं, घर में आग लगे, पत्थर पड़े इनकी बला से। इन्हें मुझ पर जरा भी दया नहीं आती। मैं सुबह से शाम तक घर के झंझटों में कूड़ा करूं, इन्हें कुछ परवाह ही नहीं। ऐसा सहानुभूति से खाली आदमी कभी नहीं देखा था। इन्हें तो किसी जंगल में तपस्या करनी चाहिए थी। अभी तो खैर दो ही प्राणी हैं, लेकिन कहीं बाल बच्चे हो गए तब तो मैं भी मौत मर जाऊंगी। ईश्वर ना करे वे दारुण विपत्ति मेरे सिर पड़े। चंदा, मुझे अब दिल से लगी हुई है कि किसी भांत इनकी वह समाधि भंग कर दूं, मगर कोई उपाय सफल नहीं होता, कोई चाल ठीक नहीं पड़ती। एक दिन मैंने उनके कमरे में लंप का बल्ब तोड़ दिया। कमरा अंधेरा पड़ा रहा। आप सैर करके आए तो कमरा अंधेरा देखा, मुझसे पूछा। मैंने कह दिया बल्ब टूट गया, बस आपने भोजन किया और मेरे कमरे में आकर लेट रहे। पत्रों और उपन्यासों की ओर देखा तक नहीं। न जाने वो उत्सुकता कहां विलीन हो गई है। दिन भर गुजर गया, आपको बल्ब लगवाने की कोई फिक्र नहीं। आखिर मुझे को बाजार से लाना पड़ा। एक दिन मैंने झुंझलाकर रसोइयों को निकाल दिया। सोचा जब लाला रात भर भूखे सोएंगे तब आंखें खुलेंगी, मगर इस भले आदमी ने कुछ पूछा तक नहीं। चाय न मिली कुछ परवाह नहीं की। ठीक 10 बजे आपने कपड़े पहने, एक बार रसोई की ओर झांक कर देखा, सन्नाटा था, बस काले चले दिए। एक आदमी पूछता है महाराज कहाँ गया, क्यों गया, अब क्या इंतजाम होगा, कौन खाना पकाएगा। कम से कम इतना तो मुझसे कह सकते थे कि तुम अगर नहीं पका सकती तो बाजार ही से कुछ खाना मंगवा लो। जब वह चले गए तो मुझे बड़ा पश्चाताप हुआ। रैल होटल से खाना मंगवाया और बैरे के हाथ कॉलेज भेज दिया, पर खुद भूखी ही रही। दिन भर भूख के मारे पूरा हाल था, सिर में दर्द होने लगा। अब कॉलेज से आए और मुझे पड़े देखा तो ऐसे परेशान हुए मानो त्रिदोष है। उसी वक्त एक डॉक्टर बुला भेजा। डॉक्टर आए, आंखें देखी, जबान देखी, हरारत देखी, लगाने की दवा अलग दी और पीने की अलग। आदमी दवा लेने गया, लौटा तो 12 रुपए का बिल भी था। मुझे इन सारी बातों पर ऐसा क्रोध आ रहा था कि कहां भागकर चली जाऊं। उस पर आपको आराम कुर्सी पर डालकर मेरी चारपाई के पास बैठ गए और एक एक पल पूछने लगे कि जी कैसा है। दर्द कुछ कम हुआ, यहाँ मारे भूख के आते कुलकुला रही थी, दवा हाथ से छुई तक नहीं। आखिर झक मारकर मैंने फिर बैरे से खाना मंगवाया, फिर चाल उल्टी पड़ी। मैं डरी कि कहीं सवेरे फिर ये महाशय डॉक्टर को ना बुला बैठे। इससे सवेरा होते ही हार कर फिर घर के काम धंधे में लगी। उसी वक्त एक दूसरा महाराज बुलवाया। अपने पुराने महाराज को बेकसूर निकालकर दंड स्वरूप एक काट के उल्लू को रखना पड़ा, जो मामूली चपातियां भी नहीं पका सकता। उस दिन से एक नई बला गले पड़ी। दोनों वक्त 2 घंटे इस महाराज को सिखाने में लग जाते हैं। इसे अपनी पाक कला का ऐसा घमंड है कि मैं चाहे जितना बकूं पर करता अपने मन की है। उस पर बीच बीच में मुस्कुराने लगता है, मानो कहता हो कि तुम इन बातों को क्या जानो, चुपचाप बैठी देखती जाओ। जलाने चली थी विनोद को और खुद जल गई। रुपए खर्च हुए, वो तो हुए ही, और एक जंजाल में फंस गई। मैं खुद जानती हूँ कि विनोद का डॉक्टर को बुलाना या मेरे पास बैठे रहना केवल दिखावा था। उनके चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी, चित्त जरा भी अशांत न था। चंदा, मुझे क्षमा करना, मैं नहीं जानती कि ऐसे पुरुष के पाले पड़कर तुम्हारी क्या दशा होती, पर मेरे लिए इस दशा में रहना असहनीय है। मैं आगे जो वृतांत कहने वाली हूँ उसे सुनकर तुम नाक भौं सिकोड़ोगी, मुझे कोसोगी, कलंकनी कहोगी, पर चाहे जो कहो मुझे परवाह नहीं। आज 4 दिन होते हैं, मैंने त्रिया चरित का एक नया अभिनय किया। हम दोनों सिनेमा देखने गए थे। वहां मेरी बगल में एक बंगाली बाबू बैठे हुए थे। विनोद सिनेमा में इस तरह बैठते हैं मानो ध्यान अवस्था में हो, ना बोलना ना चालना। फिल्म इतनी सुंदर थी, एक्टिंग इतनी सजीव कि मेरे मुंह से बार बार प्रशंसा के शब्द निकल जाते थे, और बंगाली बाबू को भी बड़ा आनंद आ रहा था। हम दोनों उस फिल्म पर आलोचना करने लगे। वह फिल्म के भावों की इतनी रोचक व्याख्या करता था कि मन मुग्ध हो जाता था।
फिल्म से ज्यादा मजा उसके मुझे उसकी बातों में आ रहा था। बहन सच कहती हूँ, शक्ल सूरत में मैं विनोद के तलुओं की बराबरी भी नहीं कर सकता था, पर केवल विनोद को जलाने के लिए मैं उससे मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें करने लगी। उसने समझा कोई शिकार फंस गया। अवकाश के समय वह बाहर जाने लगा तो मैं भी उठ खड़ी हुई, पर विनोद अपनी जगह पर बैठे ही रहे। मैंने कहा, बाहर चलते हो, मेरी तो बैठे बैठे कमर दुख गई। विनोद बोले, हाँ हाँ चलो इधर उधर टहला जाए थोड़ा। मैंने लापरवाही से कहा, तुम्हारा जीना चाहे तो मत चलो, मैं मजबूर नहीं करती। विनोद फिर अपनी जगह पर बैठते हुए बोले, अच्छी बात है। मैं बाहर आई तो बंगाली बाबू ने पूछा, क्या आप यहीं के रहने वाली हैं? मेरे पति यहाँ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। अच्छा, वे आपके पति थे? अजीब आदमी है, आपको तो मैंने शायद यहाँ पहले ही देखा है। हाँ, मेरा मंगान तो बंगाल में है, कंचनपुर के महाराज साहब का प्राइवेट सेक्रेटरी हूँ। महाराज साहब वायसराय से मिलने आए हैं। अच्छा, तो अभी दो चार दिन रहिएगा? जी हाँ, आशा तो करता हूँ रहूं तो साल भर रह जाऊं, जाऊं तो दूसरी गाड़ी से चला जाऊं। हमारे महाराजा साहब का कुछ ठीक ही नहीं, यूं बड़े सज्जन और मिलनसार हैं, आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। ये बातें करते करते हम रेस्टोरेंट में पहुंच गए। बाबू ने चाय और टोस्ट लिया, मैंने सिर्फ चाय ली। तो इसी वक्त आपका महाराज साहब से परिचय करा दूं, आपको आश्चर्य होगा कि मुकुटधारियों में भी इतनी नम्रता और विनय हो सकती है। उनकी बातें सुनकर हम मुग्ध हो जाएंगे। मैंने आईने में अपनी सूरत देखकर कहा, जी नहीं, फिर किसी दिन पर रखिए, आपसे तो अक्सर मुलाकात होती रहेगी, क्या आपकी स्त्री आपके साथ नहीं आई? युवक ने मुस्कुराकर कहा, मैं अभी कुंवारा हूँ और शायद कुंवारा ही रहूं। मैंने उत्सुक होकर पूछा, अच्छा तो आप भी स्त्रियों से भागने वाली जीवों में हैं? इतनी बातें तो हो गई और आपका नाम तक ना पूछा, बताइए आपका नाम क्या है? बाबू ने अपना नाम भुवन मोहन दास गुप्ता बताया। मैंने अपना परिचय दिया, जी नहीं, मैं उन अभागों में हूँ जो एक बार निराश होकर फिर उसकी परीक्षा नहीं करते। रूप की तो संसार में कमी नहीं, मगर रूप और गुण का मेल बहुत कम देखने में आता है। जिस रमणी से मेरा प्रेम था वह आज एक बड़े वकील की पत्नी है। मैं गरीब था, इसकी सजा मुझे ऐसी मिली कि जीवन प्रयत्न ना भूलेगी। साल भर तक उसकी उपासना की, जब उसने मुझे धन पर बलिदान कर दिया तो अब और क्या आशा रखूं? मैंने हंसकर कहा, आपने बहुत जल्द हिम्मत हार दी। भुवन ने सामने द्वार की ओर ताकते हुए कहा, मैंने आज तक ऐसा वीर ही नहीं देखा जो रमणियों से प्रार्थना हुआ हो। ये हृदय पर चोट करती है और हृदय एक ही गहरी चोट सह सकता है। जिस रमणी ने मेरे प्रेम को तुच्छ समझकर पैरों से कुचल दिया, उसको मैं दिखाना चाहता हूँ कि मेरी आंखों में धन कितनी तुच्छ वस्तु है। यही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य। मेरा जीवन उसी दिन सफल होगा जब विमला के घर के सामने मेरा विशाल भवन होगा और उसका पति मुझसे मिलने में अपना सौभाग्य समझेगा। मैंने गंभीरता से कहा, ये तो कोई बहुत ऊंचा उद्देश्य नहीं है। आप ये क्यों समझते हैं कि विमला ने केवल धन के लिए आपका परित्याग किया? संभव है इसके और भी कारण हो, माता पिता ने उस पर दबाव डाला हो या अपने ही में से उसे कोई ऐसी त्रुटि दिखलाई दी हो जिससे आपका जीवन दुखमय हो जाता। आप ये क्यों समझते हैं कि जिस प्रेम से वंचित होकर आप इतने दुखी हुए, उसे प्रेम से वंचित होकर वह सुखी हुई होगी? संभव था कोई धनी स्त्री पाकर आप भी फिसल जाते। भुवन ने जोर देकर कहा, यह असंभव है, सर्वथा असंभव है। मैं उसके लिए त्रिलोक का राज भी त्याग देता। मैंने हंसकर कहा, हाँ हाँ अच्छा, इस वक्त आप ऐसा कह सकते हैं, मगर ऐसी परीक्षा में पढ़कर आपकी क्या दशा होती, इसे आप निश्चय पूर्वक नहीं बता सकते। सिपाही की बहादुरी का प्रमाण उसकी तलवार है, उसकी जबान नहीं। इसे अपना सौभाग्य समझे कि आपको उस परीक्षा में नहीं पढ़ना पड़ा। वह प्रेम नहीं है जो प्रत्याघात की शरण ले। प्रेम का आदि भी सहृदयता है और अंत भी सहृदयता। संभव है आपको अब भी कोई ऐसी बात मालूम हो जाए जो विमला की तरफ से आपको नर्म कर दे। भुवन गहरे विचार में डूब गया। एक मिनट के बाद उन्होंने सिर उठाया और बोले, मिसेज विनोद, आपने आज एक ऐसी बात सुझा दी जो आज तक मेरे ध्यान में ही ना आई थी। ये भाव कभी मेरे मन में ही नहीं उदय हुआ। मैं इतना अनुआदर हो गया था, क्यों हो गया था मैं समझता ही नहीं। मुझे आज मालूम हुआ कि प्रेम के ऊंचे दर्शन का पालन रमणियां ही कर सकती हैं। पुरुष कभी प्रेम के लिए आत्मसमर्पण नहीं कर सकते। वे प्रेम को स्वार्थ और वासना से पृथक नहीं कर सकते। अब मेरा जीवन सुखमय हो जाएगा। आपने मुझे आज शिक्षा दी है, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। ये कहते कहते भुवन सहसा चौंक पड़े और बोले, ओह मैं कितना मूर्ख हूँ, सारा रहस्य समझ में आ गया, अब कोई बात ही नहीं छुपी है। ओह, मैंने विमला के साथ घोर अन्याय किया, महान अन्याय, मैं बिल्कुल अंधा हो गया था। विमला मुझे क्षमा करो,
भुवन इसी तरह देर तक विलाप करते रहे, बार बार मुझे धन्यवाद देते थे और मूर्खता पर अपने पछताते थे। हमें इसकी सुधी न रही कि कब घंटी बजी, कब खेल शुरू हुआ। एकाएक विनोद कमरे में आए, मैं चौंक पड़ी। मैंने उनके मुख की ओर देखा, किसी भाव का पता ना था। बोले, तुम अभी यही हो? अच्छा, खेल शुरू हुए तो देर हुई है। मैं चारों तरफ तुम्हें खोज रहा था। मैं हक पकाकर उठ खड़ी हुई और बोली, खेल शुरू हो गया? घंटी की आवाज तो सुनाई ही नहीं दी। भुवन भी उठे, हम फिर आकर तमाशा देखने लगे। विनोद ने मुझे अगर इस वक्त दो चार लगने वाली बातें कह दी होती, उनकी आंखों में क्रोध की झलक दिखाई देती, तो मेरा अशांत हृदय समल जाता, मेरे मन को ढांढस होती। पर उनके अविचलित विश्वास ने मुझे और भी अशांत कर दिया। बहन, मैं चाहती हूँ वे मुझ पर शासन करे। मैं उनकी कठोरता, उनकी उदंडता, उनकी बलिष्ठता का रूप देखना चाहती हूँ। उनके प्रेम, प्रमोद, विश्वास का रूप देख चुकी हूँ। इससे मेरी आत्मा को तृप्ति ही नहीं होती। तुम इस पिता को क्या कहोगी जो अपने पुत्र को अच्छा खिलाए, अच्छा पहनाए, पर उसकी शिक्षा दीक्षा की कुछ चिंता न करे। वह जिस राह जाए उसे राह जाने दे, जो कुछ करे वह करने दे, कभी उसे कड़ी आंख से देखे भी ना। ऐसा लड़का अवश्य आवारा हो जाएगा। मेरा भी वही हाल हुआ जाता है। ये उदासीनता मेरे लिए असहनीय है। इस भले आदमी ने यहाँ तक ना पूछा कि भुवन कौन है। भुवन ने यही तो समझा होगा कि इसका पति इसकी बिल्कुल परवाह नहीं करता। विनोद खुद स्वाधीन रहना चाहते हैं, मुझे भी स्वाधीन छोड़ देना चाहते हैं। वे मेरे किसी काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। इसी तरह चाहते हैं कि मैं भी उनके किसी काम में हस्तक्षेप ना करूं। मैं इस स्वाधीनता को दोनों ही के लिए विष तुल्य समझती हूँ। संसार में स्वाधीनता का चाहे जो भी मूल्य हो, घर में तो पराधीनता ही फूलती फूलती है। मैं जिस तरह अपने एक जीवर को अपना समझती हूँ, उसी तरह विनोद को अपना समझना चाहती हूँ। अगर मुझसे पूछे बिना विनोद उसे किसी को दे दे, तो मैं लड़ पड़ूंगी। मैं चाहती हूँ कहाँ हूँ, क्या पढ़ती हूँ, किस तरह जीवन व्यतीत कर रहती हूँ, इन सारी बातों पर उनकी तीव्र दृष्टि होनी चाहिए। जब वे मेरी परवाह नहीं करते, तो मैं उनकी परवाह क्यों करूं? इस खींचातानी में हम एक दूसरे से अलग होते चले जा रहे हैं। और क्या कहूं, मुझे कुछ मालूम नहीं होता कि वह किन मित्रों को रोज पत्र लिखते हैं। उन्होंने भी मुझसे कभी कुछ नहीं पूछा। खैर, मैं क्या लिख रही थी, क्या कहने लगी, विनोद ने मुझसे कुछ नहीं पूछा। मैं फिर भुवन से फिल्म के संबंध में बातें करने लगी। जब खेल खत्म हो गया और हम लोग बाहर आए और तांगा ठीक करने लगे, तो भुवन ने कहा, मैं अपनी कार में आपको पहुंचा दूंगा। हमने कोई आपत्ति नहीं की। हमारे मकान का पता पूछकर भुवन ने कार चला दी। रास्ते में मैंने भुवन से कहा, कल मेरे यहाँ दोपहर का खाना खाइएगा। भुवन ने स्वीकार कर लिया। भुवन तो हमें पहुंचाकर चले गए, पर मेरा मन बड़ी देर तक उन्हीं की तरफ लगा रहा। इन दो तीन घंटों में भुवन को जितना समझी, उतना विनोद को आज तक नहीं समझी। मैंने भी अपने हृदय की जितनी बातें उससे कह दी, उतनी विनोद से आज तक नहीं कही। भुवन उन मनुष्यों में है जो किसी पुरुष को मेरी कुदृष्टि डालते देखकर उसे मार डालेगा, उसी तरह मुझे किसी पुरुष से हंसते देखकर मेरा खून पी लेगा, और जरूरत पड़ेगी तो मेरे लिए आग में कूद पड़ेगा। ऐसा ही पुरुष चरित्र मेरे हृदय पर विजय कर सकता है, मेरे हृदय पर नहीं, सारी नारी जाति पर विजय कर सकता है। ऐसे ही पुरुष पर जान देती है नारी जाति। वह निर्बल है, इसलिए बलवान का आश्रय ढूंढती है। बहन, तुम उब गई होगी ना, खत बहुत लंबा हो गया, मगर इस कांड को समाप्त किए बिना नहीं रहा जाता था। मैंने सवेरे ही से भुवन की दावत की तैयारी शुरू कर दी। रसोईयां तो काट का आलू है, मैंने सारा काम अपने हाथ से किया। भोजन बनाने में ऐसा आनंद मुझे और कभी न मिला था। भुवन बाबू की कार ठीक समय पर आ पहुंची। भुवन उतरे और सीधे मेरे कमरे में आ गए। दो चार बातें हुई, डिनर टेबल पर जा बैठे। विनोद भी भोजन करने आए। मैंने उन दोनों आदमियों का परिचय भी करा दिया। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि विनोद ने भुवन की ओर से कुछ उदासीनता दिखाई। इन्हें राजाओं रईसों से चिढ़ है, साम्यवादी हैं। जब राजाओं से चिढ़ है तो उनके पिट्ठों से क्यों ना होती। वह समझते हैं इन रईसों के दरबार में खुशामदी, निकम्मे, सिद्धांतहीन, चरित्रहीन लोगों का जमकट रहता है, जिनका इसके सिवा और कोई काम नहीं कि अपने रईस की हर एक उचित अनुचित इच्छा पूरी करें और प्रजा का गला काट कर अपना घर भरें। भोजन के समय बातचीत की धारा घूमते घूमते विवाह और प्रेम जैसे महत्व के विषय पर आ पहुंची। विनोद ने कहा, नहीं, मैं वर्तमान वैवाहिक प्रथा को पसंद नहीं करता। इस प्रथा का आविष्कार उस समय हुआ था जब मनुष्य सभ्यता की प्रारंभिक दशा में था। तब से दुनिया बहुत आगे बढ़ी है, मगर विवाह प्रथा में जो भर भी अंतर नहीं पड़ा। ये प्रथा वर्तमान काल के लिए उपयोगी नहीं है। भुवन ने कहा, आखिर आपको इसमें क्या दोष दिखाई देते हैं? विनोद ने विचार करके कहा,
इसमें सबसे बड़ा ऐब ये है कि ये एक सामाजिक प्रश्न को धार्मिक रूप दे देता है, और दूसरा ये है कि ये व्यक्तियों की स्वाधीनता में बाधक है। ये स्त्री व्रत और पति व्रत का स्वांग रचकर हमारी आत्मा को संकुचित कर देता है। हमारी बुद्धि के विकास में जितनी रुकावट इस प्रथा ने डाली है, उतनी और किसी भौतिक या दैविक क्रांति से भी नहीं हुई। इसने मिथ्या आदर्शों को हमारे सामने रख दिया है, और आज तक हम उन्हीं पुरानी सड़ी हुई लज्जाजनक पार्श्विक लकीरों को पीटते जाते हैं। व्रत केवल एक निरर्थक बंधन का नाम है। इतना महत्वपूर्ण नाम देकर हमने उस कैद को धार्मिक रूप दे दिया है। पुरुष क्यों चाहता है कि इससे उसको अपना ईश्वर अपना सर्वस्व समझे? केवल इसलिए ना कि वह उसका भरण पोषण करता है? क्या स्त्री का कर्तव्य केवल पुरुष की संपत्ति के लिए वारिस पैदा करना है? उस संपत्ति के लिए जिस पर हिंदू नीति शास्त्र के अनुसार पति के देहांत का बाद उसका कोई अधिकार नहीं रहता। समाज की सारी व्यवस्था, सारा संगठन संपत्ति रक्षा के आधार पर हुआ है। इससे संपत्ति को प्रधान और व्यक्ति को गौण कर दिया है। हमारे ही वीर से उत्पन्न संतान हमारी कमाई हुई जायदाद का भोग करे, इस मनोभाव में कितनी स्वार्थ अंधता है, कितना दास्तव छिपा हुआ है, इसका कोई अनुमान भी नहीं कर सकता। इस कैद में जकड़ी हुई समाज की संतान यदि आज घर में, देश में, संसार में अपने क्रूर स्वार्थ के लिए रक्त की नदियां बहा रही हैं, तो क्या आश्चर्य है? मैं इस वैवाहिक प्रथा को सारी बुराइयों का मूल समझता हूँ। भुवन चकित हो गया, मैं खुद चकित हो गई। विनोद ने इस विषय पर मुझसे कभी इतनी स्पष्टता से बात ही न की थी। मैं ये तो जानती थी कि वह साम्यवादी हैं। दो एक बार इस विषय पर उनसे बहस भी कर चुकी हूँ, पर वैवाहिक प्रथा के वे इतने विरोधी हैं ये मुझे मालूम नहीं था। भुवन के चेहरे से ऐसा प्रकट होता था कि उन्होंने ऐसे दार्शनिक विचारों की गंध तक नहीं पाई। जरा देर के बाद बोले, प्रोफेसर साहब, आपने तो मुझे एक बड़े चक्कर में डाल दिया। आखिर आप इस प्रथा की जगह कोई और प्रथा रखना चाहते हैं या विवाह की आवश्यकता ही नहीं समझते? जिस तरह पशु पक्षी आपस में मिलते हैं, वह हमें भी करना चाहिए। विनोद ने तुरंत उत्तर दिया, बहुत अच्छा है, बहुत कुछ। पशु पक्षियों में सभी का मानसिक विकास एक सा नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो जोड़े के चुनाव में कोई विचार नहीं रखते, कुछ ऐसे हैं जो एक बार बच्चा पैदा करने के बाद अलग हो जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो जीवन प्रयत्न एक साथ रहते हैं। कितनी ही भिन्न भिन्न श्रेणियां हैं, मैं मनुष्य होने के नाते उसी श्रेणी को शेष समझता हूँ जो जीवन पर्यंत एक साथ रहते हैं मगर स्वेच्छा से। उनके यहाँ कोई कैद नहीं है, कोई सजा नहीं। दोनों अपने अपने चारे दाने की फिक्र करते हैं, दोनों मिलकर रहने का स्थान बनाते हैं, दोनों सात बच्चों का पालन पोषण करते हैं। उनके बीच में कोई तीसरा नर या मादा आ नहीं सकता। यहाँ तक कि उनमें से जब एक मर जाता है तो दूसरा मरते दम तक फुटेल रहता है। ये अंधेर मनुष्य जाति ही में है। किसी ने किसी दूसरे पुरुष से हंसकर बात की और उसके पुरुष की छाती पर सांप लौटने लग गया। खून खराबे के मंसूबे सोचे जाने लगे। पुरुष ने किसी दूसरी स्त्री की ओर रुसिक नेत्रों से देखा और अर्धांगनी ने त्योरियां बदल डाली। पति के प्राण लेने को तैयार हो गई। यह सब क्या है? ऐसा मनुष्य समाज सभ्यता का किस मुंह से दावा कर सकता है? भुवन ने सिर सहलाते हुए कहा, मगर मनुष्यों में भी तो भिन्न भिन्न श्रेणियां हैं। कुछ लोग हर महीने एक नया जोड़ा खोज निकालेंगे। विनोद ने हंसकर कहा, लेकिन ये इतना आसान काम ना होगा। या तो वह ऐसी स्त्री चाहेगा जो संतान का पालन स्वयं कर सकती हो, या उसे एक मुश्त सारी रकम अदा करने पड़ेगी। भुवन भी हंसे, आप अपने को किस श्रेणी में रखते हो? विनोद इस प्रश्न के लिए तैयार नहीं थे। ये थे तो बेढंगा सा सवाल। झेपते हुए बोले, परिस्थितियां जिस श्रेणी में ले जाएं, मैं स्त्री और पुरुष दोनों के लिए पूर्ण स्वाधीनता का हामी हूँ। कोई कारण नहीं है कि मेरा मन किस नवयौवना की ओर आकर्षित हो, और वह भी मुझे चाहे तो भी मैं समाज और नीति के भय से उसकी ओर ताक ना सकूं। मैं इसे पाप नहीं समझता। भुवन अभी कुछ उत्तर ना देने पाए थे कि विनोद उठ खड़े हुए। कॉलेज के लिए देर हो रही थी, तुरंत कपड़े पहने और चल दिए। हम दोनों दीवान खाने में आकर बैठे और बातें करने लगे। भुवन ने सिगार जलाते हुए कहा, कुछ सुना? कहां जाकर तान टूटी? मैंने मारे शर्म के सिर झुका लिया। क्या जवाब देती? विनोद की अंतिम बात ने मेरे हृदय पर कठोर आघात किया था। मुझे मालूम हुआ कि विनोद ने केवल मुझे सुनाने के लिए विवाह का यह नया खंडन तैयार किया है। वे मुझसे पिन छुड़ा लेना चाहते हैं। वे किसी रमणी की ताक में है। मुझसे इनका जी भर गया है। वे ख्याल करके मुझे बड़ा दुख हुआ। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। कदाचित एकांत में मैं ना रोती, पर भुवन के सामने में संयत ना रह सकी। भुवन ने मुझे बहुत सांत्वना दी। आप व्यर्थ इतना शोक करती हैं। मिस्टर विनोद आपका मान ना करें।
पर संसार में कम से कम एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके संकेत पर अपने प्राण तक न्यौछावर कर सकता है। आप जैसी रमणी रत्न पाकर संसार में ऐसा कौन पुरुष है जो अपने भाग को धन नहीं मानेगा। आप इसकी बिल्कुल चिंता न करें। मुझे भुवन की यह बात पूरी मालूम हुई। क्रोध से मेरा मुख लाल हो गया। यह धूर्त मेरी इस दुर्बलता से लाभ उठाकर मेरा सर्वनाश करना चाहता है। अपने दुर्भाग्य पर बराबर रोना आता था। अभी विवाह हुए साल भी नहीं पूरा हुआ। मेरी यह दशा हो गई कि दूसरों को मुझे बहकाने और मुझ पर अपना जादू चलाने का साहस हो रहा है। जिस वक्त मैंने विनोद को देखा था, मेरा हृदय कितना फूल उठा था। मैंने अपने हृदय को कितनी भक्ति से उनके चरणों पर अर्पण किया था, मगर क्या जानती थी कि इतनी जल्द में उनकी आंखों से गिर जाऊंगी और मुझे परित्यक्ता समझ फिर शोदे मुझ पर डोरे डालेंगे। मैंने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, मुझे जरा विश्राम करने दीजिए। हाँ हाँ, आराम करें, मैं बैठा देखता रहूंगा। जी नहीं, आप कृपा करके जाइए, यूं मुझे आराम न मिलेगा। अच्छी बात है, आप आराम कीजिए, मैं संध्या समय आकर देख जाऊंगा। जी नहीं, आपको कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा तो मैं कल आऊंगा, शायद महाराज साहब भी आवे। नहीं, आप लोग मेरे बुलाने का इंतजार कीजिएगा, बिना बुलाइए बिल्कुल ना आइएगा। ये कहते हुए मैं उठकर अपने सोने के कमरे की ओर चली। भुवन एक क्षण मेरी ओर देखता रहा, फिर चुपके से चला गया। बहन, इसे 2 दिन हो गए हैं पर मैं कमरे से बाहर नहीं निकली। भुवन 2-3 बार आ चुका है, मगर मैंने उससे मिलने से साफ इनकार कर दिया। अब शायद उसे फिर आने का साहस नहीं होगा। ईश्वर ने बड़े नाजुक मौके पर मुझे सद्बुद्धि प्रदान की है, नहीं तो मैं अब तक अपना सर्वनाश करा बैठती। विनोद प्रायः मेरे ही पास बैठे रहते हैं, लेकिन उनसे बोलने को मेरा जी नहीं चाहता। जो पुरुष व्यभिचार का दार्शनिक सिद्धांतों से समर्थन कर सकता है, जिसकी आंखों में विवाह जैसे पवित्र बंधन का कोई मोल नहीं है, जो ना मेरा हो सकता है ना मुझे अपना बना सकता है, उसके साथ मुझे जैसी माननीय गर्वणी स्त्री का दिन निर्वाह कैसे होगा। बस अब विदा होती हूँ बहन, क्षमा करना, मैंने तुम्हारा बहुत सा अमूल्य समय ले लिया, मगर इतना समझ लो कि मैं तुम्हारी दया नहीं सहानुभूति चाहती हूँ। तुम्हारी प्रज्ञा। 10 काशी 5/1/26। बहन, तुम्हारा पत्र पढ़कर मुझे मालूम हुआ कि कोई उपन्यास पढ़कर उठी हूँ। अगर तुम उपन्यास लिखो तो मुझे विश्वास है उसकी धूम मच जाए। तुम आप उसकी नायिका बन जाना, तुम ऐसी ऐसी बातें कहां सीख गई? मुझे तो यही आश्चर्य है, उस बंगाली के साथ तुम अकेली कैसे बैठी बातें करती रही, मेरी तो समझ में नहीं आता। मैं तो कभी ना कर सकती। तुम विनोद को जलाना चाहती हो, उनके चित्त को अशांत करना चाहती हो। उस गरीब के साथ तुम कितना भयंकर अन्याय कर रही हो। तुम ये क्यों समझती हो कि विनोद तुम्हारी उपेक्षा कर रहे हैं, अपने विचारों में इतने मग्न है कि उनकी रुचि ही नहीं रही। संभव है वे कोई दार्शनिक तत्व खोज रहे हों, कोई थीसिस लिख रहे हों, किसी पुस्तक की रचना कर रहे हों, कौन कह सकता है। तुम जैसी रूपवती स्त्री पाकर यदि कोई मनुष्य चिंतित रहे तो समझ लो कि उसके दिल पर कोई बड़ा बोझ है। उनको तुम्हारी सहानुभूति की जरूरत है, तुम उनका बोझ हल्का कर सकती हो, लेकिन तुम उल्टे उन्हीं को दोष देती हो। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम एक दिन क्यों विनोद से दिल खोलकर बातें नहीं कर लेती। संदेह हो जितनी जल्दी हो सके दिल से निकाल डालना चाहिए। संदेह वह चोट है जिसका ऊपर जल्द ना हो तो नासूर पड़ जाता है और फिर अच्छा नहीं होता। क्यों 2-4 दिनों के लिए यहाँ नहीं चली आती? तुम शायद कहो तू ही क्यों नहीं चली आती, लेकिन मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, बिना सास ससुर से पूछे कोई काम नहीं कर सकती। तुम्हें तो कोई बंधन है नहीं। आजकल मेरा जीवन हर्ष और शोक का विचित्र मिश्रण हो रहा है। अकेली होती हूँ तो रोती हूँ, आनंद आ जाते हैं तो हंसती हूँ। जी चाहता है वे हरदम मेरे सामने बैठे रहे, लेकिन रात के 12 बजे के पहले उनके दर्शन नहीं होते। एक दिन दोपहर को आ गए थे तो सास ने ऐसा डांटा कि कोई बच्चे को क्या डांटेगा। मुझे ऐसा भय हो रहा है कि सास जी को मुझसे चिढ़ है। बहन, मैं उन्हें भरसक प्रसन्न रखने की चेष्टा करती हूँ। जो काम कभी ना किए थे मैं उनके लिए करती हूँ। उनके स्नान के लिए पानी गर्म करती हूँ, उनकी पूजा के लिए चौकी भी बिछाती हूँ। वे स्नान कर लेती हैं तो उनकी धोती छाटती हूँ, वे लेटती हैं तो उनके पैर दबाती हूँ, जब वे सो जाती हैं तो उन्हें पंखा झलती हूँ। वे मेरी माता हैं, उन्हीं के गर्भ से वह रत्न उत्पन्न हुआ है जो मेरा प्राण आधार है। मैं उनकी कुछ सेवा कर सकूं, इससे बढ़कर मेरे लिए सौभाग्य की और क्या बात होगी। मैं केवल इतना ही चाहती हूँ कि वे मुझसे हंसकर बोले, मगर ना जाने क्यों वे बात बात पर मुझे कोसने दिया करती हैं। मैं जानती हूँ दोष मेरा ही है, हाँ मुझे मालूम नहीं वह क्या है। अगर मेरा यही अपराध है कि मैं अपनी दोनों नंदों से रूपती क्यों हूँ, पढ़ी लिखी क्यों हूँ, आनंद मुझे इतना क्यों चाहते हैं, तो बहन ये मेरे बस की बात नहीं।
मेरे प्रति सास जी को जो भ्रम होता होगा कि मैं ही आनंद को भरमा रही हूँ, शायद वे पछताती हैं कि क्यों मुझे बहू बनाया। उन्हें भय होता है कि कहीं मैं उनके बेटे को उनसे छीन न लूं। दो एक बार मुझसे जादूगरनी कही चुकी हैं। दोनों नंदे अकारण ही मुझसे चलती रहती हैं। बड़ी नंदन जी तो अभी कलोर हैं, उनका जलना मेरी समझ में नहीं आता। मैं उनकी जगह होती तो अपनी भाव से कुछ सीखने की, कुछ पढ़ने की कोशिश करती, उनके चरण धो धो कर पीती। पर इस छोकरी को मेरा अपमान करने ही में आनंद आता है। मैं जानती हूँ थोड़े दिनों में दोनों नंदे लज्जित होंगी। हाँ, अभी मैं मुझसे बिचकती हैं। मैं अपनी तरफ से तो उन्हें अप्रसन्न होने को कोई अवसर नहीं देती, मगर रूप को क्या करूं। क्या जानती थी कि एक दिन इस रूप के कारण मैं अपराधनी ठहराई जाऊंगी। मैं सच कहती हूँ बहन, यहाँ मैंने सिंगार करना एक तरह से छोड़ ही दिया है। महली कुचैली बनी बैठी रहती हूँ। इस भय से कोई मेरे पढ़ने लिखने पर नाक न सिकोड़े। पुस्तकों को हाथ नहीं लगाती। घर से पुस्तकों का एक गट्ठर बांध लाई थी, उसमें कोई पुस्तकें बड़ी सुंदर हैं, उन्हें पढ़ने के लिए बार बार जी चाहता है, पर मैं पढ़ नहीं पाती। दोनों नंदे मुझे देखती रहती हैं कि ये क्या करती है, कैसे बैठेगी, कैसे बोलती है, कैसे बैठती है, मानो दो दो जासूस मेरे पीछे लगा दिए गए हों। इन दोनों महिलाओं को मेरी बदगोई में इतना क्यों मजा आता है, नहीं कह सकती। शायद आजकल उन्हें सिवा इसके सिवा कोई दूसरा काम नहीं। गुस्सा तो ऐसा आता है कि एक बार झड़क दूं, लेकिन मन को समझाकर रोक लेती हूं। ये दशा बहुत दिनों नहीं रहेगी। एक नए आदमी से कुछ हिचक होना स्वाभाविक ही है, विशेषकर जब वह नया आदमी शिक्षा और विचार व्यवहार में हमसे अलग हो। मुझे को अगर किसी फ्रेंड लेडी के साथ रहना पड़े तो शायद मैं भी उसकी हर एक बात की आलोचना करूं और कौतूहल की दृष्टि से देखने लगूं। ये काशीवासी लोग पूजा पाठ बहुत कम करते हैं। सास जी तो रोज गंगा स्नान करने जाती हैं। बड़ी ननंद भी उनके साथ जाती है। मैंने कभी पूजा नहीं की। याद है हम और तुम पूजा करने वालों को कितना बनाया करती थी। अगर मैं पूजा करने वालों का चरित्र कुछ उन्नत पाती तो शायद अब तक मैं भी पूजा करती होगी, लेकिन मुझे तो कभी ऐसा अनुभव प्राप्त नहीं हुआ। पूजा करने वालियां भी उसी तरह दूसरों की निंदा करती हैं, उसी तरह आपस में लड़ती झगड़ती हैं, जैसे वे जो कभी पूजा नहीं करती। खैर, अब मुझे धीरे धीरे पूजा से श्रद्धा होती जा रही है। मेरे ददिया ससुर जी ने एक छोटा सा ठाकुर द्वार बनवा दिया था, वह मेरे घर के सामने ही है। मैं अक्सर सास जी के साथ वहां जाती हूँ और अब ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि उन विशाल मूर्तियों के दर्शन से मुझे अपने अंतःस्थल में एक ज्योति का अनुभव होता है। जितनी अश्रद्धा से मैं राम और कृष्ण के जीवन की आलोचना किया करती थी, वह बहुत कुछ मिट चुकी है। लेकिन रूपति होने का दंड यही तक बस नहीं है। नंदे अगर मेरे रूप को देख कर चलती हैं तो ये स्वाभाविक है। दुखी तो इस बात का है कि ये दंड मुझे उस तरफ से मिल रहा है जिधर से इसकी कोई संभावना नहीं होनी चाहिए। मेरे आनंद बाबू भी मुझे इसका दंड दे रहे हैं। हाँ, उनकी दंड नीति एक निराले ही ढंग की है। वे मेरे पास नित्य ही कोई ना कोई सौगात लाते रहते हैं। वे जितनी देर मेरे पास रहते हैं उनके मन में ये संदेह होता रहता है कि मुझे उनका रहना अच्छा नहीं लगता। वे समझते हैं कि मैं उनसे जो प्रेम करती हूँ ये केवल दिखावा है, कौशल है। वे मेरे सामने कुछ ऐसे दबे दबाए सिमटे सिमटाए रहते हैं कि मारे लज्जा के मर जाती हूँ। उन्हें मुझसे कुछ कहते हुए ऐसा संकोच होता है मानो वे कोई अनाधिकार चेष्टा कर रहे हों, जैसे मैले कुचेले कपड़े पहने हुए कोई आदमी उज्जवल वस्त्र पहनने वालों से दूर ही रहना चाहता है। वही दशा इनकी है। वे शायद समझते हैं कि किसी रूपवती स्त्री को रूपहीन पुरुष से प्रेम हो ही नहीं सकता। शायद वे दिल में पछताते हैं कि क्यों इससे विवाह किया। शायद उन्हें अपने ऊपर ग्लानि होती है। वे मुझे कभी रोते देख लेते हैं तो समझते हैं मैं अपने भाग्य को रो रही हूँ। कोई पत्र लिखते देखते हैं तो समझते हैं मैं उनकी रूपहीनता ही का रोना रो रही हूँ। क्या कहूँ बहन, ये सौंदर्य मेरी जान का गाहक हो गया है। आनंद के मन से शंका को निकालने और उन्हें अपनी ओर से आश्वासन देने के लिए मुझे ऐसी ऐसी बातें करनी पड़ती हैं, ऐसे ऐसे आसन करने पड़ते हैं जिन पर मुझे घृणा होती है। अगर पहले से दशा जानती तो ब्रह्मा से कहती कि मुझे कुरूप ही बना दे। बड़े असमंजस में पड़ी हूँ। अगर सास जी की सेवा नहीं करती, बड़ी ननंद जी का मान नहीं रखती तो उनकी आंखों से गिरती हूँ। अगर आनंद बाबू को निराश करती हूँ तो कदाचित मुझसे विरक्त हो जाए। मैं तुमसे अपने हृदय की बात कहती हूँ बहन, तुमसे क्या पर्दा रखना। मुझे आनंद बाबू से उतना प्रेम है जो किसी स्त्री को पुरुष से हो सकता है। उनकी जगह अब अगर इंद्र भी सामने आ जाए तो मैं उनकी ओर आंख उठाकर ना देखूं।
मगर उन्हें कैसे विश्वास दिलाऊं। मैं देखती हूँ वह किसी न किसी बहाने से बार बार घर में आते हैं और दबी हुई ललचाई हुई नजरों से मेरे कमरे के द्वार की ओर देखते हैं। तो जी चाहता है जाकर उनका हाथ पकड़ लूं और अपने कमरे में खींच ले आऊं, मगर एक तो डर होता है कि किसी की आंख पड़ गई तो छाती पीटने लगेंगी, और इससे भी बड़ा डर यह है कि कहीं आनंद इसे भी कौशल ना समझ बैठे। अभी उनकी आमदनी बहुत कम है, लेकिन 2-4 रुपए सौगातों में रोज उड़ाते हैं। अगर प्रेम उपहार स्वरूप वह धेले की कोई चीज दे तो मैं उसे आंखों से लगाऊं, लेकिन वह हर कर स्वरूप देते हैं, मानो उन्हें ईश्वर ने यह दंड दिया है। क्या करूं, अब मुझे भी प्रेम का स्वांग करना पड़ेगा। प्रेम प्रदर्शन से मुझे बहुत चिढ़ है। तुम्हें याद होगा ना, मैंने एक बार कहा था कि प्रेम या तो भीतर ही रहेगा या बाहर ही रहेगा। समान रूप से वह भीतर और बाहर दोनों जगह नहीं रह सकता। स्वांग दिशाओं के लिए है। कुलवंती तो प्रेम को हृदय में ही संचित रखती हैं। बहन, पत्र बहुत लंबा हो गया, तुम पढ़ते पढ़ते ऊब जाओगी। मैं भी लिखते लिखते थक गई, अब शेष बातें कल लिखूंगी। परसों ये पत्र तुम्हारे पास पहुंचेगा। बहन क्षमा करना, कल पत्र लिखने का अवसर नहीं मिला। रात एक ऐसी बात हो गई जिसे चित अशांत उठा। बड़ी मुश्किलों से ये थोड़ा सा समय निकाल सकी हूँ। मैंने अभी तक आनंद से घर के किसी प्राणी की शिकायत नहीं की थी। अगर सास जी ने कोई बात की दी या ननन जी ने कोई ताना दे दिया तो इसके कानों तक उनके कानों तक नहीं पहुंचाती थी, इसके सिवा कि ग्रह क्लेश उत्पन्न हो जाए, इससे और क्या हाथ आएगा। इन्हीं जरा जरा सी बातों को ना पेट में डालने से घर बिगड़ते हैं, आपस में वैमनस्य बढ़ता है। मगर संयोग की बात है, कल अनायास ही मेरे मुंह से एक बात निकल गई जिसके लिए मैं अब भी अपने को कोस रही हूँ और ईश्वर से मनाती हूँ कि वह आगे न बढ़े। बात यह हुई कि कल आनंद बाबू बहुत देर करके मेरे पास आए। मैं उनके इंतजार में बैठी एक पुस्तक पढ़ रही थी। सहसा सासू जी ने आकर पूछा, क्या अभी तक बिजली चल रही है? क्या वह रात भर ना आए? तुम तो रात भर बिजली चलाती रहोगी। मैंने उसी वक्त उनको जवाब दे दिया। उनकी आहट पाते ही बत्ती चला दी और तो कुछ ना होता, मगर मैं अंधेरे में पड़ी रही। उन्होंने पूछा, क्या सो गई? ये अंधेरा क्यों पड़ा हुआ है? हाँ, इस वक्त भी यदि मैंने कह दिया होता कि मैंने अभी बत्ती गुल कर दी तो बात बन जाती, मगर मेरे मुंह से निकला, सासू जी का हुक्म हुआ कि बत्ती गुल कर दो तो गुल कर दी। तुम रात भर ना आओ तो और क्या, रात भर बत्ती जलाती रहूंगी? तो अब तो जला दो, मैं रोशनी के सामने से आ रहा हूँ, मुझे तो कुछ सोचता ही नहीं। मैंने बटन को हाथ से छूने की कसम खा ली है, जब जरूरत पड़ेगी तो मोम की बत्ती जला लिया करूंगी, कौन मुफ्त में घुड़कियां सहे। आनंद ने बिजली का बटन दबाते हुए कहा, और मैंने कसम खा ली कि रात भर बत्ती चलेगी, चाहे किसी को बुरा लगे या भला, सब कुछ देखता हूँ, अंधा नहीं हूँ। दूसरी बहू आकर इतनी सेवा करेगी तो देखूंगा। तुम नसीब की खोटी हो कि ऐसे प्राणियों के पल्ले पड़ी। किसी दूसरे सास की तुम इतनी खिदमत करती तो वह तुम्हें पान की तरह फेरती, तुम्हें हाथों पर लिए रहती, मगर ये चाहे प्राण ही दे दें, किसी के मुंह से सीधी बात ना निकलेगी। मुझे अपनी भूल साफ मालूम हो गई। उनका क्रोध शांत करने के इरादे से बोली, गलती भी तो मेरी ही है, फिर तो आधी रात तक बत्ती जलाए बैठी रही। अम्मा जी ने गुल करने को कहा तो क्या बुरा कहा, मुझे समझना चाहिए, अच्छी सीख देती हैं वो मुझे, उनका धर्म है। मेरा धर्म यही है कि यथाशक्ति उनकी सेवा करूं और उनकी शिक्षा को ग्रहण करूं। आनंद एक क्षण द्वार की ओर ताकते रहे, फिर बोले, मुझे मालूम हो रहा है कि इस घर में मेरा अब गुजर नहीं होगा। तुम नहीं कहती मगर मैं सब कुछ सुनता रहता हूं, सब भी समझता हूं। तुम्हारे मेरे पापों का प्रायश्चित करना पड़ रहा है, तुम्हें मेरे पापों का प्रायश्चित करना पड़ रहा है। मैं कल अम्मा जी से साफ साफ कह दूंगा, अगर आपका यही व्यवहार है तो आप अपना घर लीजिए, मैं अपने लिए कोई दूसरी राह निकाल लूंगा। मैंने हाथ जोड़कर किड़किड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा गजब भी ना करना। मेरे मुंह में आग लगे, कहां से कहां बत्ती का जिक्र कर बैठी। मैं तुम्हारे चरण छूकर कहती हूँ, मुझे न सास जी से कोई शिकायत नहीं है ना ननन जी से, दोनों मुझसे बड़ी हैं, मेरी माता के तुल हैं। अगर एक बात कड़ी भी कह दे तो मुझे सब्र करना चाहिए, तुम उनसे कुछ ना कहना, नहीं तो बहुत उन्हें दुख होगा। आनंद ने रूंधे कंठ से कहा, तुम्हारी जैसी बहू पाकर भी अम्मा जी का कलेजा नहीं पसीजता, अब क्या कोई स्वर्ग की देवी घर में आती। तुम डरो मत, मैं खामखा लड़ूंगा नहीं, मगर हाँ इतना अवश्य कह दूंगा कि जरा अपने मिजाज को काबू में रखो। आज अगर मैं 200-400 रुपए घर में लाता होता तो कोई चू ना करता, कुछ कमा कर नहीं लाता, यह उसी का दंड है। सच पूछो तो मुझे विवाह करने का कोई अधिकार ही नहीं था। मुझ जैसे मंद बुद्धि को जो कौड़ी कमा नहीं सकता उसे अपने साथ किसी महिला को डुबाने का क्या हक था। बहन जी को ना जाने क्या सोची कि तुम्हारे पीछे पड़ी रहती हैं। ससुराल का सफाया कर दिया, अब यहाँ भी आग लगाने पर तुली हुई हैं। बस पिताजी का लिहाज करता हूँ, नहीं इन्हें तो एक दिन में ठीक कर देता। बहन
उस वक्त तो मैंने किसी तरह उन्हें शांत किया, पर नहीं कह सकती कि कब वे उबल पड़े। मेरे लिए वे सारी दुनिया से लड़ाई मोल ले लेंगे। मैं जिन परिस्थितियों में हूँ उनका तुम अनुमान कर सकती हो। मुझ पर कितनी ही मार पड़े, मुझे रोना ना चाहिए, जबान तक ना हिलाना चाहिए। मैं रोई और घर तबाह हुआ। आनंद फिर कुछ ना सुनेंगे, कुछ ना देखेंगे। कदाचित इस उपाय से वह अपने विचार से मेरे हृदय में अपने प्रेम का अंकुर जमाना चाहते हूँ। आज मुझे मालूम हुआ कि ये कितने क्रोधी हैं। अगर मैंने जरा सा पुचार दे दिया होता तो रात ही को सास जी की खोपड़ी पर जा पहुंचते। कितनी युवतियां इस अधिकार के गर्भ में अपने को भूल जाती हैं। मैं तो बहन ईश्वर ने चाहा तो कभी नहीं भूलूंगी। मुझे इस बात का डर नहीं कि आनंद अलग घर बना लेंगे तो गुजर कैसे होगा। मैं उनके साथ सब कुछ झेल सकती हूँ, लेकिन घर तो तबाह हो जाएगा। बस प्यारी बहन, आज इतना ही, पत्र का जवाब जल्द देना। तुम्हारी चंदा। क्या लिखूं प्यारी चंदा, क्या लिखूं। मुझ पर तो विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। हाय वो चले गए, मेरे विनोद का 3 दिन से पता नहीं। निर्मोही चला गया मुझे छोड़कर, बिना कुछ कहे बिना कुछ सुने। अभी तक रोए नहीं। जो लोग पूछने आते हैं उनसे बहाना कर देती हूँ कि 2-4 दिन में आएंगे, एक काम से काशी गए हैं। मगर जब रोऊंगी तो ये शरीर उन आंसू में डूब जाएगा, प्राणी उसी में विसर्जित हो जाएंगे। छलिया ने मुझसे कुछ कहा भी नहीं। रोज की तरह उठा, भोजन किया, विद्यालय गया, नियत समय पर लौटा, रोज की तरह मुस्कुराकर मेरे पास आया। हम दोनों ने जलपान भी किया, फिर वे दैनिक पत्र पढ़ने लगे। मैं टेनिस खेलने चली गई। इधर कुछ दिनों से उन्हें टेनिस से कुछ प्रेम न रहा था, मैं अकेले ही जाती थी। लौटी तो रोज ही की तरह उन्हें बरामदे में टहलते और सिगार पीते देखा। मुझे देखते ही वह रोज की तरह मेरा ओवरकोट लाए और मेरे ऊपर डाल दिया। बरामदे से नीचे उतरकर खुले मैदान में हम टहलने लगे, मगर मैं ज्यादा बोले नहीं, किसी विचार में डूबे रहे। जब ओस अधिक पड़ने लगी तो हम दोनों फिर अंदर चले आए। उसी वक्त में बंगाली महिला आ गई, जिसने मैंने वीणा सिखाना शुरू किया है। विनोद भी मेरे साथ ही बैठे रहे। संगीत उन्हें इतना प्रिय है, ये तुम्हें लिख चुकी हूँ, कोई नई बात तो है नहीं। महिला के चले जाने के बाद हमने साथ ही साथ भोजन किया। फिर मैं अपने कमरे में लेटने आई, वह रोज की तरह अपने कमरे में लिखने पढ़ने चले गए। मैं जल्दी ही सो गई, लेकिन बेखबर पड़ी रही। उनकी आहट पाते ही आप खुल गई, आंख खुल गई। मैंने देखा वे अपना हरा शॉल ओढ़े खड़े थे। मैंने उनकी ओर हाथ बढ़ाकर कहा, आओ खड़े क्यों हो, और फिर सो गए। बस प्यारी बहन, वही विनोद के अंतिम दर्शन थे। कह नहीं सकती वे पलंग पर लेटे या नहीं, इन आंखों में न जाने कौन सी महानिद्रा समाई हुई थी। प्रातः उठी तो विनोद को ना पाया। मैं उनसे पहले उठती हूँ, वे परे सोते रहते हैं, पर आज वे पलंग पर ना थे, शॉल भी ना था। मैंने समझा शायद अपने कमरे में चले गए। स्नान गृह में चली गई, आधे घंटे में बाहर आई, फिर भी वह ना दिखाई दिए। उनके कमरे में गई, वहां भी ना थे। आश्चर्य हुआ कि इतने सवेरे कहां चले गए। सहसा खूंटी पर पड़ी कपड़े ना थे। नजर मेरी खूंटी पर पड़ी, पर वहां कपड़े ना थे। किसी से मिलने चले गए या शाम के पहले सैर करने की ठाने। कम से कम मुझसे कह तो देते, संशय में तो जीना पड़ता। क्रोध आया, मुझे नौकरानी समझते हैं। हाजिरी का समय आया, बेरा मेज पर चाय रख गया। विनोद के इंतजार में चाय ठंडी हो गई। मैं बार बार झुंझलाती थी, कभी भीतर जाती थी और कभी बाहर आती थी। ठान लेती कि आज जो ही महाशय आएंगे ऐसा लताड़ूंगी कि वे फिर याद करेंगे। कह दूंगी आप अपना घर ले लीजिए, आपको अपना घर मुबारक रहे, मैं अपने घर चली जाऊंगी। इस वक्त 2 रोटियां वहां भी मिल जाएंगी। जाड़े के 9 बजने में देर ही क्या लगती है, विनोद का भी पता नहीं। चलाई हुई कमरे में आ गई कि एक पत्र लिखकर मेज पर रख दू। साफ साफ लिख दू कि इसरा अगर रहना है तो आप रहिए, मैं नहीं रह सकती। मैं जितना ही तरह दे जाती उतना ही तुम मुझे चढ़ाते हो। बहन उस क्रोध में संतप्त भाव की नदी सी मन में उमड़ रही थी। अगर लिखने बैठती तो पन्नों के पन्ने लिख डालती, लेकिन ना, मैं तो भाग जाने की धमकी ही दे रही थी। मैं पहले ही भाग चुकी थी। जो ही मेज पर बैठी मुझे पैड़ी में उनका एक पत्र मिला। मैंने तुरंत उस पत्र को निकाल लिया और सरसरी निगाह से पढ़ा। मेरे हाथ कांपने लगे, पांव थरथराने लगे, जान पड़ा कमरा हिल रहा है। एक ठंडी लंबी हृदय को चीरने वाली आह खींचकर मैं कोच पर गिर पड़ी। पत्र ये था, प्रिय 9 महीने हुए जब मुझे पहली बार तुम्हारे दर्शनों का सौभाग्य हुआ था। उस वक्त मैंने अपने को धन्य माना था, आज तुमसे वियोग का दुर्भाग्य हो रहा है। फिर भी मैं अपने को धन्य मानता हूँ, मुझे जाने का लोश मात्र भी दुख नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम खुश होगी। जब तुम मेरे साथ सुखी नहीं रह सकती तो मैं जबरदस्ती क्यों पड़ा रहूं। इसे तो ये कहीं अच्छा है कि हम और तुम अलग हो जाएं। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा, तुम भी जैसी हो वैसे ही रहोगी, फिर सुखी जीवन की संभावना कहाँ है।
मैं विवाह को आत्म विकास का पूरी का साधन समझता हूँ। स्त्री पुरुष के संबंध का अगर कोई अर्थ है तो यही है कि वरना मैं विवाह की जरूरत ना समझता। मानव संतान बिना विवाह के भी जीवित रहेगी और शायद इससे अच्छे रूप में। वासना भी बिना विवाह के पूरी हो सकती है। घर के प्रबंध के लिए विवाह करने की जरूरत नहीं। जीविका का एक बहुत ही गौण प्रश्न है। जिसे ईश्वर ने दो हाथ दिए हैं वह कभी भूखा नहीं रह सकता। विवाह का उद्देश्य यही है और केवल यही है, स्त्री और पुरुष एक दूसरे की उन्नति में सहायक हो। जहाँ अनुराग हो वहाँ विवाह है और अनुराग ही उन्नति का मुख्य साधन है। जब अनुराग ही नहीं होगा तो विवाह भी नहीं रहेगा। अनुराग के बिना विवाह का कोई अर्थ नहीं। जिस वक्त मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे अनुराग की सच्ची मूर्ति सी नजर आई थी। तुम में सौंदर्य था, शिक्षा थी, प्रेम था, स्फूर्ति थी, उमंग थी। मैं मुग्ध हो गया। उस वक्त मेरी अंधी आंखों को ये न सूझा कि जहाँ तुमने इतने गुण थे वहाँ चंचलता भी थी जो इन सब गुणों पर पर्दा डाल देती थी। तुम चंचल हो, गजब की चंचल हो। उस वक्त मुझे न सूझा था तुम ठीक वैसी ही हो जैसी तुम्हारी दूसरी बहनें होती हैं, न कम न ज्यादा। मैंने तुमको स्वाधीनता बनाना चाहा था। मैंने तुमको स्वाधीन बनाना चाहा था क्योंकि मेरी समझ में अपनी पूरी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए इसी की सबसे अधिक जरूरत है। संसार भर में पुरुषों के विरुद्ध क्यों इतना शेर मचा हुआ है? इसीलिए कि हमने औरतों की आजादी छीन ली है और उन्हें अपनी इच्छाओं की नौकरानी बना रखा है। मैंने तुम्हें स्वाधीन कर दिया। मैं तुम्हारे ऊपर अपना कोई अधिकार नहीं मानता। तुम अपनी स्वामिनी हो। मुझे कोई चिंता ना थी। अब मुझे मालूम हो रहा है तुम स्वेच्छा से नहीं संकोच या भय या बंधन के कारण रहती हो। दो ही चार दिन पहले मुझ पर यह बात खुली है, इसीलिए अब मैं तुम्हारे सुख के मार्ग में बाधा नहीं डालना चाहता। मैं कहीं के भाग कर नहीं जा रहा हूँ, केवल तुम्हारे रास्ते से हटा जा रहा हूँ। मैं इतनी दूर हटा जा रहा हूँ कि तुम्हें मेरी ओर से पूरी निश्चिंतता हो जाए। अगर मेरे बगैर तुम्हारा जीवन अधिक सुंदर हो सकता है तो तुम्हें जबरन नहीं रखना चाहता। अगर मैं समझता हूँ कि तुम मेरे सुख के मार्ग बाधक हो रही हो तो मैंने तुमसे साफ साफ कह दिया होता। मैं धैर्य और नीति का ढोंग नहीं मानता, केवल आत्मा का संतोष चाहता हूँ, अपने लिए भी और तुम्हारे लिए भी। जीवन का तत्व यही है, ये मूल्य नहीं है। मैंने डेस्क में अपने विभाग के अध्यक्ष के नाम एक पत्र लिखकर रख दिया है, वह उनके पास भेज देना। रुपए की कोई चिंता मत करना, मेरे अकाउंट में अभी इतने रुपए हैं जो तुम्हारे लिए कई महीने काफी होंगे और उस वक्त तक मिलते रहेंगे जब तक तुम लेना चाहोगी। मैं समझता हूँ मैंने अपना भाव स्पष्ट कर दिया है, इसे अधिक स्पष्ट मैं नहीं करना चाहता। जिस वक्त तुम्हारी इच्छा मुझसे मिलने की हो बैंक से मेरा पता पूछ लेना, मगर दो चार दिन के बाद। घबराने की कोई बात नहीं, मैं स्त्री को अबला या अपंग नहीं समझता, वह अपनी रक्षा स्वयं कर सकती है, मगर अगर करना चाहे तो। अगर अब या अब से दो चार महीना दो चार साल पीछे तुम्हें मेरी याद आए तो तुम समझो कि मेरे साथ सुखी रह सकती हो। तो मुझे केवल दो शब्द लिखकर डाल देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा क्योंकि मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम्हारे साथ मेरे जीवन के जितने दिन कटे हैं वे मेरे लिए स्वर्ग संपन्न के दिन हैं। जब तक जीऊंगा इस जीवन की आनंद स्मृतियों को हृदय में संचित रखूंगा। इतनी देर तक मैन को रोके रहने के बाद आंखों से आंख बूंद आंस गिर ही पड़ा। क्षमा करना, मैंने तुम्हें चंचल कहा। चंचल कौन है? जानता हूँ कि तुमने मुझे अपने हृदय से निकालकर फेंक दिया है। फिर भी इस एक घंटे में कितनी बार तुमको देख देकर लौट आया हूँ। मगर इन बातों को लिखकर मैं तुम्हारी दया को उकसाना नहीं चाहता। तुमने वही किया जिसका मेरी नीति में तुमको अधिकार था, है और रहेगा। मैं विवाह में आत्मा को सर्व ऊपर रखना चाहता हूँ। स्त्री और पुरुष में वही प्रेम चाहता हूँ जो दो स्वाधीन व्यक्तियों में होता है। मैं प्रेम नहीं जिसका आधार पराधीनता है। बस अब और कुछ ना लिखूंगा। तुमको एक चेतावनी देने की इच्छा हो रही है पर दूंगा नहीं क्योंकि तुम अपना भला और बुरा खुद समझ सकती हो। तुमने सलाह देने का हक मुझसे छीन लिया है, फिर भी इतना कहे बगैर नहीं रह जाता कि संसार में प्रेम का स्वांग भरने वाले शहीदों की कमी नहीं है, उनसे बचकर रहना। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि तुम जहाँ रहो आनंद से रहो, और अगर अभी तो कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो याद करना। तुम्हारी एक तस्वीर का अपहरण किए जाता हूँ, क्षमा करना, क्या मेरा इतना अधिकार भी नहीं है? जी चाहता है एक बार देखाऊं मगर नहीं आऊंगा। तुम्हारा ठुकराया हुआ विनोद। बहन, ये पत्र पढ़कर मेरी चित्त की जो दशा हुई उसका तुम अनुमान नहीं कर सकती। रोई तो नहीं पर दिल बैठा जाता था। बार बार जी चाहता था कि विष खाकर सो रहूं। 10 बजने में अब थोड़ी ही देर थी। मैं तुरंत विद्यालय गई और दर्शन विभाग के अध्यक्ष को विनोद का पत्र पढ़कर बोले, आपको मालूम है वे कहाँ गए और कब तक आएंगे?
इसमें तो केवल एक मास की छुट्टी मांगी गई है, मैंने बहाना किया। वे एक आवश्यक कार्य से काशी गए हैं और निराश होकर लौट आई। मेरी अंतरात्मा सहस्रों जीवा बनकर मुझे धिक्कार रही थी। कमरे में उनकी तस्वीर के सामने घुटने टेक कर मैंने जितने पश्चातापूर्ण शब्दों में क्षमा मांगी है, वे अगर किसी तरह उनके कानों तक पहुंच सकते तो उन्हें मालूम होता कि मैं उनसे कितना प्रेम करती हूँ। तब से अब तक मैंने कुछ भोजन नहीं किया और ना एक मिनट सोई हूँ। विनोद मेरी क्षुधा और निद्रा भी अपने साथ ले गए और शायद इसी तरह 10-5 दिन उनकी खबर ना मिली तो प्राण भी चले जाएंगे। आज मैं बैंक तर गई थी ये पूछने की हिम्मत ना पड़ी कि विनोद कहाँ गए हैं, कोई पत्र आया कि नहीं आया। वह सब क्या सोचते होंगे कि उनकी पत्नी होकर इससे पता नहीं है। बहन, अगर विनोद ना आए तो क्या होगा? मैं समझती थी वे मेरी तरफ से उदासीन है, मेरी परवाह नहीं करते, मुझसे अपने दिल की बात नहीं छिपाते हैं। उन्हें शायद मैं भारी हो गई हूँ। अब मालूम हुआ मैं कैसे भयंकर भ्रम में पड़ी हुई थी। उनका मन इतना कोमल है ये मैं नहीं जानती थी। तो उस दिन क्यों भुवन को मुंह लगाती, मैं उसे भागे का मुंह तक ना देखती। इस वक्त जो उसे देख पाऊं तो शायद गोली मार दूं। जरा तुम विनोद के पत्र को फिर पढ़ो। बहन, आप मुझे स्वाधीन बनाने चले थे, अगर स्वाधीन बनाते तो भुवन से जरा देर मेरा बातचीत कर लेना, क्यों इतना खर्चा। मुझे उनकी अविचली शांति से चिढ़ होती थी। वास्तव में उनके हृदय में इस रात सी बात ने जितनी शांति पैदा करती थी शायद मुझ में ना कर सकती थी। मैं किसी रमणी से उनकी रुचि देखकर शायद मुंह फुला लेती, ताने देती, खुद रहती, उन्हें रुलाती, पर इतनी जल्द भाग ना चाहती। मर्दों का घर छोड़कर भागना तो आज तक नहीं सुना। औरतें ही घर छोड़कर मैके भागती हैं, या कहीं डूबने जाती हैं, या आत्महत्या करती हैं। पुरुष निर्द्वंद बैठे मुंछों पर ताव देते हैं, मगर यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। पुरुष ही भाग खड़ा हुआ, इस अशांति की थाक कौन लग सकता है, इस प्रेम की गहराई को कौन समझ सकता है। मैं तो अगर इस वक्त विनोद के चरणों पर पड़े पड़े मर जाऊं तो समझो मुझे सर मिल गया। बस इसके सिवा मुझे अब और कोई इच्छा नहीं। इस अगाध प्रेम ने मुझे तृप्त कर दिया। विनोद मुझसे भागे तो लेकिन भाग ना सके। मैं मेरे हृदय से, मेरी धारणा से इतने निकट कभी ना थे। मैं तो अब भी उन्हें अपने सामने बैठा देख रही हूँ। क्या मेरे सामने फिलासफर बनने चले थे? कहाँ गई आपकी वह दार्शनिक गंभीरता? यूं अपने को धोखा देते हैं, यूं अपनी आत्मा को कुचलते हो। अब की तो तुम भागे, लेकिन फिर भागना भागने नहीं देखूंगी। मैं जानती थी कि तुम ऐसे चतुर बहुरूपी हो, अब मैंने समझा, और शायद तुम्हारी दार्शनिक गंभीरता को भी समझ में आया होगा कि प्रेम जितना ही सच्चा, जितना ही हार्दिक होता है, उतना ही कोमल होता है। वह विपत्ति के उन्मत्त सागर में थपेड़ खा सकता है, पर अवहेलना की एक चोट भी नहीं सह सकता। बहन, बात विचित्र है पर है सच्ची। मैं इस समय अपने अंतःस्थल में जितनी उमंग, जितने आनंद का अनुभव कर रही हूँ, याद नहीं आता कि विनोद के हृदय से लिपटकर भी कभी पाया हो कि नहीं। तब पर्दा बीच में था, अब कोई पर्दा बीच में नहीं रहा। मैं उनके प्रचलित प्रेम व्यापार की कसौटी पर कसना चाहती थी। ये फैशन हो गया कि पुरुष घर में आए तो स्त्री के वास्ते कोई तोहफा लाए। पुरुष रात दिन इसी के लिए गहने बनवाए, कपड़े सिलवाने, बेल फीते, लैस खरीदने में मस रहे। फिर स्त्री को उससे कोई शिकायत नहीं, वह आदर्श पति है, उसके प्रेम में किसी को संदेह हो सकता है। लेकिन उसकी बेसी की मृत्यु के तीसरे महीने वह फिर विवाह रचाता है, स्त्री के साथ अपने प्रेम को भी चिता में जला जाता है। फिर वही स्वांग इस नई प्रेसी से होने लगते हैं, फिर वही लीला शुरू हो जाती है। मैंने यही प्रेम देखा था और इसी कसौटी पर विनोद को कस रही थी। कितनी मन बुद्धि हूँ, छिछोरेपन को प्रेम समझ बैठी थी। कितनी स्त्रियां जानती हैं कि अधिकांश ऐसे ही गहने, कपड़े और हंसने बोलने में मस्त रहने वाले जीव लंपट हो जाते हैं। इतनी लंपटता को छिपाने के लिए वे स्वांग भरते रहते हैं, कुत्ते को चुप रखने के लिए उसके सामने हड्डी के टुकड़े फेंक देते हैं। बेचारी भोली भाली उसे अपना सर्वस्व देकर खिलौने पाती हैं और उन्हीं से मग्न रहती हैं। मैं विनोद को उसी कांटे पर तोड़ रही थी, हीरे को साग की तराजू पर रख देती थी। मैं जानती हूँ, मेरा दृढ़ विश्वास और वह अटल है कि विनोद की दृष्टि कभी किसी स्त्री पर नहीं पड़ सकती। उनके लिए मैं हूँ, अकेली मैं हूँ, अच्छी हूँ या बुरी हूँ, जो कुछ हूँ मैं हूँ। बहन, मेरी तो मारे गर्व और आनंद से छाती फूल उठी है। इतना बड़ा साम्राज्य, इतना अचल, इतना स्वरक्षित किसी हृदय शरीर को नसीब हुआ है, मुझे तो संदेह है। और मैं इस पर भी असंतुष्ट थी, ये न जानती थी कि ऊपर बबूले तैरते हैं, मोती समुद्र की तह से मिलते हैं। हाय, मेरी इस मूर्खता के कारण मेरे प्यारे विनोद को कितनी मानसिक वेदना हो रही है।
मेरे जीवन धन, मेरे जीवन सर्वस्व ना जाने कहां मारे मारे फिरते होंगे, ना जाने किस दशा में होंगे, ना जाने मेरे प्रति उनके मन में कैसी कैसी शंकाएं उठ रही होंगी। प्यारे, तुमने मेरे साथ कुछ कम अन्याय नहीं किया। अगर मैंने तुम्हें निष्ठुर समझा तो तुमने तो मुझे उससे कहीं बदतर समझा। क्या अब भी पेट नहीं भरा? तुमने मुझे इतनी गई गुजरी समझ लिया कि इस अभागे भुवन में ऐसे ऐसे एक लाखों बहनों को तुम्हारे चरणों पर भेज सकती हूँ। मुझे तो संसार में ऐसा कोई प्राणी ही नहीं नजर आता जिस पर मेरी निगाह उठ सके। नहीं, तुम मुझे इतनी नीच, इतनी कलंकनी नहीं समझ सकते। शायद वह नौबत आती तो तुम और मैं दो में से एक भी संसार में ना होते। बहन, मैंने विनोद को बुलाने की, खींच लाने की, पकड़ मंगवाने की एक तरकीब सोची है। क्या कहूँ, पहले ही दिन एक तरकीब क्यों ना सोची। विनोद को दैनिक पत्र पढ़े बिना चैन नहीं आता, और वह कौन सा पत्र पढ़ते हैं ये भी मैं जानती हूँ। कल के पत्र में ये खबर छपेगी कि प्रज्ञा मर रही है, और परसों विनोद यहाँ होंगे, रुक ही नहीं सकते। फिर खूब झगड़े होंगे, खूब लड़ाइयां होंगी। अब कुछ तुम्हारे विषय में, क्या तुम्हारी बुढ़िया सचमुच तुमसे इसलिए जलती है कि तुम सुंदर हो, शिक्षित हो, खूब, और तुम्हारे आनंद भी विचित्र जीव मालूम होते हैं। मैंने सुना है कि पुरुष कितना ही कुरूप हो, उसकी निगाह अप्सराओं की ही पर जाकर पड़ती है। फिर आनंद बाबू तुमसे क्यों बिछकते हैं? जरा गौर से देखना, कहीं राधा और कृष्ण के बीच में कोई कुब्जा तो नहीं है? अगर सासू जी यूं ही नाक में दम करते रहे तो मैं तो यही सलाह दूंगी कि अपनी झोपड़ी अलग बना लो। मगर जानती हूँ तुम मेरी ये सलाह ना मानोगी, किसी तरह भी नहीं मानोगे। इस सहिष्णुता के लिए मैं तुम्हें बधाई देती हूँ। पत्र जल्द लिखना, मगर शायद तुम्हारा पत्र आने के पहले ही मेरा दूसरा पत्र पहुंच जाए। तुम्हारी प्रज्ञा। प्रिय प्रज्ञा, कई दिन तक तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा करने के बाद आज ये खत लिख रही हूँ। मैं अभी आशा कर रही हूँ कि विनोद बाबू घर आ गए होंगे, मगर कभी वह ना आए हों और तुम रो रो कर अपनी आंखें फोड़े डालती हो तो मुझे जरा भी दुख ना होगा। तुमने उनके साथ जो न्याय किया है उसका यही दंड है। मुझे तुमसे जरा भी सहानुभूति नहीं है। तुम गृहिणी होकर वह कुटिल क्रीड़ा करने चली थी जो प्रेम का सौदा करने वाली इसरो को ही शोभा देता है। मैं तो जब खुश होती कि विनोद ने तुम्हारा गला घोंट दिया होता और भुवन के कुसंस्कारों को सदा के लिए शांत कर देते। तुम चाहे मुझसे रूठी को न जाओ, पर मैं इतना जरूर कहूंगी कि तुम विनोद के योग्य नहीं हो। शायद तुमने अंग्रेजी किताबें में पढ़ा होगा कि स्त्रियां छहले रसकों पर ही जान देती हैं, और ये पढ़कर तुम्हारा सिर फिर गया हो। तुम्हें नित्य कोई सनसनी चाहिए, अन्यथा तुम्हारा जीवन शुष्क हो जाएगा। तुम भारत की पति परायणा रमणी नहीं हो, यूरोप की आमोद प्रिय युवती हो। मुझे तुम्हारे ऊपर दया आती है। तुमने अब तक रूप को ही आकर्षण का मूल समझ रखा है। रूप में आकर्षण है मानती हूँ, लेकिन उस आकर्षण का नाम मोह है वह स्थायी नहीं, केवल धोखे की टट्टी है। प्रेम का एक ही मूल मंत्र है और वह है सेवा। ये मत समझो कि जो पुरुष तुम्हारे ऊपर भ्रमर की भांति मंडराया करता है वह तुमसे प्रेम करता है। उसकी यह रूप आसक्ति बहुत दिनों तक नहीं रहेगी। प्रेम का अंकुर रूप में है, पर उसको पल्लवित और पुष्पित करना सेवा ही का काम है। मुझे विश्वास नहीं आता कि विनोद को बाहर से थके मांदे पसीने में तर देकर तुमने कभी पंखा भी चला होगा। शायद टेबल फैन लगाने की बात भी न सोची होगी। सच कहना, मेरा अनुमान ठीक है या नहीं बतलाओ। तुमने की उनके पैरों में चंपी की है? कभी उनके सिर में तेज तेल डाला है? तुम कहोगी ये खिदमतगारों का काम है, लेडियां ये मर्ज नहीं पालती। तुमने उस आनंद का अनुभव ही नहीं किया। तुम विनोद को अपने अधिकार में रखना चाहती हो, मगर उसका साधन नहीं करती। विलासनी मनोरंजन कर सकती हैं, चिरन संगनी नहीं बन सकती। पुरुष के गले से लिपटी हुई भी वह उससे कोसों दूर रहती हैं, मानती हूँ। रूप मोह मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन रूप से हृदय की प्यास नहीं बुझती, आत्मा की तृप्ति नहीं होती। सेवा भाव रखने वाली रूप विहीन स्त्री का पति किसी स्त्री के रूप जाल में फंस जाए तो बहुत जल्द निकल भागता है। सेवा का चस्का पाया हुआ मन केवल नखरों और चोचलों पर लट्टू नहीं होता। मगर मैं तो तुम्हें उपदेश करने बैठ गई, हालांकि तुम मुझसे तो दो चार महीने बड़ी होगी ना। क्षमा करो, ये उपदेश नहीं है। ये बातें हम तुम सभी जानते हैं, केवल कभी कभी भूल जाते हैं। मैंने केवल तुम्हें याद दिलाया दिया है। उपदेश में मेरे हृदय नहीं होता, लेकिन मेरा उपदेश मेरे हृदय मन की व्यवस्था है जो तुम्हारी इस नई विपत्ति से जागृत हुई है। अच्छा, अब मेरी राम कहानी सुनो। इस एक महीने में यहाँ बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई। ये तो मैं पहले ही लिख चुकी हूँ कि आनंद बाबू और अम्मा जी में कुछ मनमुटाव रहने लगा। वह आग भीतर ही भीतर सुलगती रहती थी। दिन में दो एक बार माँ बेटे में चोंचे हो जाती थी। एक दिन मेरी छोटी ननन जी मेरे कमरे से एक पुस्तक उठा ले गई। उन्हें पढ़ने का रोग है। मैंने कमरे में किताब ना देखी तो उनसे पूछ लिया। इस जरा सी बात पर वे भले मानस बिगड़ गई और कहने लगी,
तुम तो मुझे चोरी लगाती हो। अम्मा ने उन्हीं का पक्ष लिया और मुझे खूब सुनाई। संयोग की बात अम्मा जी मुझे कोसने ही दे रही थी कि आनंद बाबू घर में आ गए। अम्मा जी उन्हें देखते ही और जोर से बकने लगी, बहू की इतनी मजाल, वह तूने सिर पर चढ़ा रखा है और कोई बात नहीं, उससे क्या उसके बाप की थी, लड़की लाई है तो उसने कौन सा गुनाह कर दिया। जरा भी सब्र ना हुआ, दौड़ी हुई इसके सिर पर जा पहुंची और उसके हाथों से किताब छीनने लगी। बहन मैं स्वीकार करती हूँ कि मुझे पुस्तक के लिए इतनी उतावली ना करनी चाहिए थी, ननन जी पढ़ चुकने पर आप ही दे जाती, ना भी देती तो उसे पुस्तक के ना पढ़ने से मेरा क्या बिगड़ जाता। मगर मेरी शामत की उनके हाथों से किताब छीनने लगी। अगर इस बात पर आनंद बाबू मुझे डांट बताते तो मुझे भी जरा भी दुख ना होता, मगर उन्होंने उल्टे मेरा पक्ष लिया और तोरियां चढ़ाकर बोले, किसी की चीज कोई बिना पूछे ही लाए क्यों, यह तो मामूली शिष्टाचार है। इतना सुनना था कि अम्मा जी के सिर पर भूसा सवार हो गया। आनंद बाबू भी बीच बीच से फुलझड़ियां छोड़ते रहे और मैं अपने कमरे में बैठी रोती रही कि कहां से कहां मैंने किताब मांगी। न अम्मा ही जी ने भोजन किया न आनंद बाबू ने। मेरा तो बार बार यही जी चाहता था कि जहर खा लूं। रात को जब अम्मा जी लेटी तो मैंने अपने नियम के अनुसार उनके पांव पकड़ लिए। मैं पैताने की ओर थी ही, अम्मा जी ने जो पैर से मुझे ढकेला तो मैं चारपाई के नीचे गिर पड़ी। जमीन पर कई कटोरियां पड़ी हुई थी, मैं उन कटोरियों पर गिरी तो पीठ और कमर में बड़ी चोट आई। मैं चिल्लाना नहीं चाहती थी पर ना जाने कैसे मेरे मुंह से चीख निकल आई। आनंद बाबू अपने कमरे में आ गए थे, मेरी चीख सुनकर दौड़े दौड़े पड़े और अम्मा जी के द्वार पर बोले, क्या उसे मारे डालती हो अम्मा, अपराधी तो मैं हूँ, उसकी जान क्यों ले रही हो। ये कहते हुए कमरे में घुस गए और मेरा हाथ पकड़कर जबरदस्ती खींच ले गए। मैंने बहुत चाहा कि अपना हाथ छुड़ा लूं पर आनंद ने ना छोड़ा। वास्तव में मैं इस समय उनका हम लोगों के बीच में कूद पड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता था। वह ना आ जाते तो मैंने रो धोकर अम्मा जी को मना लिया होता, मेरे गिर पड़ने से उनका क्रोध शांत हो जाता। आनंद आ जाना गायब गजब हो गया। अम्मा जी कमरे के बाहर निकल आई और मुंह चढ़ाकर बोली, हाँ हाँ देखो मरा मट्टी कर दो, कहीं कुछ टूट फूट ना गया हो। आनंद ने आंगन में रुक कर कहा, क्या तुम चाहती हो कि तुम किसी को मार डालो और मैं ना बोलूं। हाँ मैं तो डायन हूँ, आदमियों को मार डालना ही तो मेरा काम है। ताज्जुब है कि मैंने तुम्हें क्यों ना मार डाला, तो पछतावा क्यों हो रहा है, धेले की संख्या में तो काम चलता है ना। अगर तुम्हें इस तरह औरत को सिर चढ़ाकर रखना है तो कहीं और ले जाकर रखो, इस घर में उसका निर्वाह अब न होगा, अम्मा जी गुस्से में आकर बोली। मैं खुद इसी फिक्र में हूँ, तुम्हारे कहने की जरूरत नहीं है। आनंद बोले, मैं भी समझ लूंगी कि मैंने लड़का ही नहीं जना, मैं भी समझ लूंगा कि मेरे माता नहीं मर गई। मैं आनंद का हाथ पकड़कर जोर से खींच रही थी कि उन्हें वहां से हटा ले आऊं, मगर वे बार बार मेरा हाथ झटक देते थे। आखिर जब अम्मा जी अपने कमरे में चली गई तो वे अपने कमरे में आए और सिर थाम कर बैठ गए। मैंने कहा, यह तुम्हें क्या सूझी। आनंद ने भूमि को ताकते हुए, अम्मा ने आज नोटिस दे दिया, तुम खुद ही उलझ पड़े, वे बेचारी तो कुछ बोली नहीं। अच्छा मैं उलझ पड़ा और क्या, मैंने तो तुमसे फरियाद की थी ना, पकड़ न लाता तो अम्मा ने तुम्हें अधमरा कर दिया होता, तुम उनका क्रोध नहीं जानती। ये तुम्हारा भ्रम है, उन्होंने मुझे नहीं मारा, अपना पैर छुड़ा रही थी, मैं पट्टी पर बैठी थी, जरा सा धक्का खाकर गिर पड़ी, अम्मा मुझे उठाने ही जा रही थी कि तुम पहुंच गए। नहाने के आगे ननिहाल का बखान न करो, मैं अम्मा को खूब जानता हूँ, मैं कल ही दूसरा घर ले लूंगा, ये मेरा निश्चय है, कहीं ना कहीं नौकरी मिल ही जाएगी। ये लोग समझते हैं कि मैं इनकी रोटियों पर पड़ा हूँ, इसी से ये मिजाज है इनका। मैं जितना ही उनको समझाती थी उतना वह और बफरते थे। आखिर मैंने झुंझलाकर कहा, तो तुम अकेले जाकर दूसरे घर में रहो, मैं ना जाऊंगी, मुझे यहीं पड़े रहने दो। आनंद ने मेरी ओर कठोर नेत्रों से देखकर कहा, अच्छा यहीं लाते खाना अच्छा लगता है। हाँ मुझे यहीं अच्छा लगता है, तो तुम खाओ, मैं नहीं खाना चाहता, यही फायदा क्या थोड़ा है कि तुम्हारी दुर्दशा आंखों से न देखूंगा, ना पीड़ा होगी। अलग रहने लगोगे तो दुनिया क्या कहेगी, इसकी परवाह है तुम्हें, दुनिया अंधी है, लोग यही कहेंगे श्री ने माया फैलाई है, इसी की भी परवाह नहीं, इस भय से अपना जीवन संकट में नहीं डालना चाहता। मैंने रोकर कहा, तुम मुझे छोड़ दोगे, तुम्हें मेरी जरा सी भी मोहब्बत नहीं है। बहन और किसी समय इस प्रेम आग्रह से भरे हुए शब्दों ने न जाने क्या कर दिया होता। ऐसे ही आग्रहों पर रियासतें मिटती हैं, नाते टूटते हैं, रमणी के पास इससे बढ़कर दूसरा अस नहीं। मैंने आनंद के गले में बाहें डाल दी थी और उनके कंधे पर सिर रखकर रो रही थी, मगर इस समय आनंद बाबू इतने कठोर हो गए थे कि ये आग्रह भी उन पर कुछ असर न कर सका।
जिस माता ने जन्म दिया उसके प्रति इतना रोष, हम अपनी माता की एक कड़ी बात नहीं सह सकते। इस आत्म अभिमान का कोई ठिकाना नहीं है। यही वे आशाएं हैं जिन पर माता ने अपने जीवन के सारे सुख विलास अर्पण कर दिए थे। दिन का चैन और रात की नींद अपने ऊपर हराम कर ली थी। पुत्र पर माता का इतना भी अधिकार नहीं है, आनंद ने उस अविचलित कठोरता से कहा। अगर मोहब्बत का यही अर्थ है कि मैं इस घर में तुम्हारी दुर्गति कराऊं, तो मुझे वह मोहब्बत नहीं है। प्रातः काल में उठकर बाहर जाते हुए मुझसे बोले,